Welcome today for the session number 3 of chapter number 4. Quadratic equation. In last session we were studying about the formula, quadratic formula. Have you understood this? Again, should I write it again? X is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a, and b square minus 4ac should be more than or equal to 0. It cannot be, it should not be less than 0, because any negative number, if you have the square root, we will get the imaginary number, not the real number. हाँ, काल्पनिक हो जाएगा, फिर वास्तविक नहीं होगा. ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, श्रीधराचार्य ने इसको इन्वेंट किया था, हमारे इंडिया के जो है साइंटिस्ट रहे, मैथमेटिशियन रहे. एग्जाम्पल नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं. Solve question number 21 of exercise 4.1 by using the quadratic formula. और हमारे पास उस equation में ये वाला equation थी, 2x square plus x minus 528. अब ये formula कितना अच्छा बनाया, quadratic formula. ऐसे question भी हम निकाल लेंगे, बोलो अगर otherwise कितना difficult हो जाता. अदरवाइज तो सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट था. सो वी हैव नाउ गॉट द वेरी गुड फॉर्मूला वेयर वी विल यूटिलाइज इट. एग्जाम्पल नंबर 10, बच्चों ए क्या है यहां पर 2, बी क्या है 1, सी क्या है माइनस 4, 5, 28. पुट इन द फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बन जा रहा है, अंदर प्लस बन जाएगा. यू कैन डू इट. और यहां तक सब बच्चे करो कैलकुलेशन. अब थोड़ा मैथमेटिक्स का मामला आएगा, और कुछ भी नहीं है, ओनली प्योरली कैलकुलेशंस. 4225 का निकालिए स्क्वायर रूट, आता है क्लास 8 याद कर लो, वी विल गेट 65. अब मेरे पास यहां पहुंच गया, एक बार प्लस रख लो एक बार माइनस रख लो. ये मैंने एक बार प्लस रखा 65, एक बार माइनस रखा, आई हैव गॉट x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू माइनस दिस. x इज ए लेंथ, सो इट कैनॉट बी नेगेटिव, सो आवर आंसर विल बी x इज इक्वल टू 16. ये मेरा हो गया इजी. चलो जल्दी जल्दी एग्जाम्पल नंबर 11. अच्छा, मैंने आपको बोला भी था लास्ट क्लास में, आपको बोला था सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करके आना है, तो आपने की होगी. फाइंड टू कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव नंबर एंड सम ऑफ द स्क्वायर इज दिस. सम ऑफ ये हो गया x, एक तो नंबर मान लेते x, दूसरा ऑड नंबर कह रहा तो x प्लस 2 मान ले, दोनों का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दीजिए, और ये आना चाहिए 290. ये मेरा फॉर्मूला. अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, एक्सरसाइज जब आएगी मजा आ जाएगा. जल्दी जल्दी इसको करें, चलो सॉल्व करो. पहले सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व कर ली फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे 2, 4, 2, तो 2 कॉमन ले लूं, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया मेरे पास, इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं या 2 कॉमन ले लूं, जैसा भी करूं डिवाइड बाय 2 करूं, तो ये मेरे पास आ गया, थोड़ा नंबर स्मॉल आ गए. रखो फटाफट, बस अब देर किस बात की. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 143, ये बन जाएगा प्लस का 552,
ये दोनों को जो है 576, 576 का स्क्वायर रूट 24, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, दिस इज योर आंसर। अब तो बहुत इजी हो गया ना, कहीं भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो बस इस फॉर्मूले को लगा दो। ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 meter लेस देन इट्स लेंथ। चलो भैया, ब्रेड्थ तो हो गया x और लेंथ थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, तो x प्लस 3 यानी 3 ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इट्स एरिया इज टू बी 4 square meter मोर देन द एरिया ऑफ ए पार्क दैट इज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल विथ इट बेस इज सेम एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड एल्टीट्यूड इज 12 meter हाइट। कुछ समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? क्या समझ में आया? ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसका बेस और रेक्टेंगल का बेस सेम है, यानी कि इसका बेस भी एक्स है। रेक्टेंगुलर का जो ब्रेड से लेंथ 3 meter ज्यादा है, और दिस जो आइसोस्केल ट्राइंगल का जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया से 4 square meter कम है। बताओ कैसे करोगे आप? अब कैसे करोगे? आ जाओ सबसे पहले। हाँ बच्चों, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल x into x plus 3 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एग्रीड? एरिया ऑफ द आइसोस्केल ट्राइंगल बोलिए जल्दी से, 1/2 इंटू हाइट, 12 into x, ओके, इज इक्वल टू 6x, ओके। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आइसोस्केल ट्राइंगल 6x, दिया हुआ क्या है? आइसोस्केल ट्राइंगल जो है वो 4 square meter कम है, यानी कि आ गया फॉर्मूला x plus 3 इज इक्वल टू 6x plus 4। ये मेरा फॉर्मूला आ रहा, देखो गलत है क्या? चेक इट, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आइसोस्केल ट्राइंगल के एरिया से 4 square meter ज्यादा है, ये मेरा फॉर्मूला है। इनका फॉर्मूला भी यही है। यस, कोई भी चीज टफ नहीं है, समझने की बात है, सॉल्व कर लो, अब क्या बड़ी बात है? अब तो कुछ बड़ी बात ही नहीं है, बस ये आइसोस्केल ट्राइंगल, ये मेरा फॉर्मूला, इसको मैंने इक्वेशन फॉर्मेट में लाया और ये मैंने अप्लाई किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 25 आएगा, इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। वो एक बार आप प्लस लगाइए, एक बार माइनस लगाइए, माइनस हो नहीं सकता है क्योंकि ये लेंथ है, ब्रेड्थ है जो भी है, लेकिन है तो लेंथ ही है ना, तो माइनस हो नहीं सकती। सो वी विल पुट एक्स इज इक्वल टू 4, सो द ब्रेड्थ ऑफ द पार्क इज दिस एंड लेंथ इज इक्वल टू 4 plus 3 7। सो सभी बच्चों को समझ में आया? इजी है। चलिए अगला करते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट का क्या मतलब है भाई? इफ दे एग्जिस्ट का मतलब यह है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0, 0 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर, सबसे पहले इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, 1 आया, 0 से ज्यादा है,
रखिए फॉर्मूले में वैल्यू, ये आ गया 5 + 1/6, 5 - 1, सो एक तो आ गया x = 1 और x = 2/3। सिंपल, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? डू इट योरसेल्फ। सेकंड, b² - 4ac - 4 < 0, रूट्स विल नॉट बी रियल, इसका रियल रूट्स नहीं होगा। क्या लिखा है जरा देखो, सो इट इज लेस देन द स्क्वायर रूट, इज नंबर नेगेटिव, सो देर विल बी नो, यू विल नॉट हैव एनी रियल वैल्यू, सो देर इज नो रियल रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन। नंबर 3, b² - 4ac, ये है b, 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को? होगा 4 × 2 = 8, सो ये आ गया 8 - 4ac = 0 आ गया। ओके, 0 आ गया तो क्या मतलब है इसका, 0 आ गया तो रूट्स विल बी इक्वल। फाइंड आउट द रूट्स, दिस इज माय दिस, ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप, कोई बच्चा ना x = -b/2a, बस ऐसे रख के कर लो, तो माइनस बी का बन गया 2√2/2a = 4। अब ये इसको काटा तो ये बन गया √2/2। √2/2 को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसको अच्छा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो √2 यानी हाफ होता है ना, इसको इससे काटो तो नीचे भी √2 बचेगा। आंसर क्या आएगा, 1/√2, और दो बार लिखो 1/√2, ये दोनों आंसर। फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो सॉल्यूशन था, सेकंड वाले में इमेजिनरी था, तीसरे वाले में बराबर है। एग्जाम्पल नंबर 14, करते जाइए, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, अब तो एक्सरसाइज आने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे, पहले आप करोगे कि मैं, पहले आप करो, ये आ गया, क्या करूंगा मैं, एक्स को ले लूं एलसीएम, ये बन जाएगा x² + ठीक है, अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा, इसको जरा ट्रांसफॉर्म किया तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, you will get the answer like this, so our answer will be x = 3 + √5/2 or 3 - √5/2। easy है, केवल क्या करना था, यहां LCM लेना था और equation को इस form में लाना था, बस और कुछ भी नहीं है। कभी exam में आ जाए तो सबसे easy question में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एलसीएम है, लो जल्दी से, ये एलसीएम आ जाएगा, एक्स और x - 2, ये बन जाएगा x - 2 - x, एक्स से एक्स कट रहा है, = 3 है, ये कट रहा है, तो ये बन जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 2 = 3x² - 6x, इसको जरा सेट करो, ये आ जाएगी इक्वेशन। इजी क्वेश्चन है ये सब, फिर इसकी वैल्यू में रखो b² - 4ac, ये आ रहा है √12। अब यहां थोड़ी सी कलाकारी है,
इसीलिए सारे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अब यहां पर क्या किया कि ये 12 था, 12 को मैं लिख सकता हूं 4 × 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर अंडर रूट है तो बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, रूट 3, ये इस टेक्निक पे लिख सकता हूं। अब मैं 2 कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा 3 प्लस रूट 3, नीचे भी 3 बचा, अब क्या बचा आंसर, क्या बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। देखे अब ये आंसर आ गया, कोई बच्चे कंफ्यूज ना हो, बहुत ईजी है। हाँ ऐसा सोचो कि कहाँ फंस गए, कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं सर ये क्या आ गया, मेरे तो 12 आ रहा है, ये आ गया। घबराना नहीं, मैथमेटिक्स वेरी वेरी इजी। लास्ट एग्जांपल, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्टिल वाटर में उसकी जो स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम एट द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, एक बार फिर से याद कर लो, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज एक्स, जब वो अपस्ट्रीम जाएगा यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी 18 माइनस एक्स, और जब वो डाउन स्ट्रीम आएगा तो स्पीड बन जाएगी 18 प्लस एक्स, बनेगी ना, और डाउन स्ट्रीम आएगा तो जल्दी आ जाएगा और अपस्ट्रीम जाएगा तो धीरे जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम वाला जो टाइम है मान लिया वो टी वन है और टी टू अपस्ट्रीम का डिफरेंस दिया 1 hour का, निकालो टी वन और टी टू, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला याद कीजिए, बार बार समझाना पड़ता है, v इज इक्वल टू d अपॉन t, तो t इज इक्वल टू d अपॉन v, यहां है t1 अपस्ट्रीम, ये मैंने अपस्ट्रीम डिस्टेंस 24 दिया, डाउनस्ट्रीम ये डाउनस्ट्रीम, अब क्या किया है, हैं डाउनस्ट्रीम जल्दी आया तो अपस्ट्रीम वाले में से डाउनस्ट्रीम को माइनस करना, क्या करोगे क्या करोगे, टी टू माइनस टी वन, नहीं टी वन अपस्ट्रीम में कम टाइम लगा और डाउनस्ट्रीम में अधिक समय लगा, तो व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल डू हियर, this is your upstream, you can say t1, this is your downstream, so dono ka difference ho gaya 1, upstream mein zyada time laga na, upstream mein we have taken more time, so डाउनस्ट्रीम में कम लगा, सो ये आ गया, इस फॉर्मूले में रखा इसको, ये मैंने एलसीएम ले लिया, अब इसको सॉल्व करो आप, एलसीएम लिया और आई विल कम टू दिस फॉर्मूला। सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर उसको इस फॉर्मूले के हिसाब से टी वन और टी टू निकाल लेना है, फिर टी वन माइनस टी टू करना है जो हमको दिया है 1 घंटा, अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम, उसके बाद कैलकुलेशन, उसके बाद ये फॉर्मूला, देन यू अप्लाई दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, 3600 अंडर रूट इज 60,
वंस यू पुट इट प्लस वैल्यू, सेकेंड टाइम यू पुट इट माइनस वैल्यू, यू विल गेट 6 एंड यू विल गेट माइनस 54. सो यू कैन नॉट, इट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव. सो वी विल टेक x इज इक्वल टू 6. द स्पीड ऑफ द वाटर इन द स्ट्रीम, धारा की स्पीड, नदी की जो धारा की स्पीड x, वो आ गया 6 किलोमीटर पर आवर. आ गया एग्जाम्पल एवरीबडी. 15 एग्जाम्पल फिनिश हो गए बच्चों, 15 बड़ा है. चलिए आज एक्सरसाइज 4.3 खत्म करेंगे. आप सभी तैयार हो जाइए. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट. इफ दे एग्जिस्ट को पता करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा. बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ओहो, पहले वाला अभी वो फॉर्मूला नहीं लगाना है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर, होल स्क्वायर बनाना है. यस, सबको आता है. आ जाइए, पॉज द वीडियो एंड डू द क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर, 2 को हटाओ, 2 से डिवाइड कर लिया. हाँ, कैसे बनाओगे होल स्क्वायर? ये तो आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स. अब यहाँ मुझे 7/2 चाहिए, 1/2 से मल्टीप्लाई करके 7/2 से कर दूँ, है ना. 2 लगाया मैंने तो 1/2 लगा दिया. अब ये वाला जो वैल्यू है इसको मुझे एक बार प्लस करना, एक बार माइनस, बस इतनी सी बात है. और मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, 3/2 ये लिखा, माइनस का 49/16. अब यहाँ तक सब बच्चा समझ लिया? यहाँ तक सब बच्चों को आया? चलो फिर सॉल्व करो. ये 16 का मैंने एलसीएम ले लिया, ये 25/6, इसको जब उधर ले गया ये बन गया 5/4. एक बार मैंने प्लस कर लिया तो 3 आया, एक बार मैंने माइनस कर लिया तो 1/2 आया. क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए. दिस इज फॉर्मूला. सेकेंड क्वेश्चन करेंगे ये वाला. इसमें भी 2 है, 1/2 करो. कर दिया. 2x इंटू 1/2 और इंटू 1/2 पहले से है, ठीक है. तो 1/4 का स्क्वायर जोड़ा, 1/4 का स्क्वायर कटाया. अगर किसी को पहले समझना हो और आपको डाउट लगता हो ना, तो पहले खुद को खुद से अप्लाई करना दिमाग, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसे खुद कोशिश करना है. और एक बार आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा तो बस फिर हो गया. बस x माइनस प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस 2, इसको मैंने इधर ले गया, ये हो गया, ये हो गया 33/16. इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो इसका तो इसका बनेगा, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो ऊपर तो 33 आएगा, नीचे आ जाएगा 4. तो ये आ गया प्लस माइनस. अब क्या करना है, इसको एक बार उधर ले जाना है, इसको 1/4 को. तो यहाँ मैं इसको एलसीएम ले लूँगा तो पहला मेरा आंसर आएगा 33 - 1/4, दूसरा आ रहा -33√-1/4. चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 3, इसको तो दिख रहा है 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 × 2x. अब मुझे चाहिए 4√3. तो क्या करूं,
इसको केवल रूट थ्री कर दूं, हाँ रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, फिर क्या करूं, प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर तो जोड़ दूं, इसको रूट थ्री माइनस कर दूं, है ना, ये हो जाएगा। अब मेरे पास जो आ जाएगा ये बन जाएगा 2x प्लस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस ये भी ये थ्री का स्क्वायर, ये थ्री प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, दोनों कट जाएंगे, ये मेरे कट गए, ये आ गया। इसको मैं लिखूंगा ऐसे, तो 2x प्लस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू, दो बार लिखूंगा माइनस रूट थ्री बाई टू, बिकॉज ये स्क्वायर था ना बच्चों, स्क्वायर था ना ये, इसलिए दो बार आंसर आएगा ना, सेम आएगा लेकिन दोनों आएंगे सेम रूट। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर लो, अगेन दो कोटा वन बाई टू किया, ये बनाया, ये दिस इसको सॉल्व किया, ये आएगा, इसमें यहां माइनस आ गया, इसलिए देयर विल बी नो रियल रूट्स, नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, अब क्या कहता है ये, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर वन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये चारों के चारों क्वेश्चन को फॉर्मूला लगा के आंसर निकालते हैं, कर लोगे, करो पहले, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड देन फर्स्ट पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड देन सी द वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन, माइनस बी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए 25 प्लस माइनस दिस 7 प्लस 5, 7 माइनस 5, वन इज आंसर इज 3, अनदर आंसर इज 1 बाई 2, सेम सेम। इजी, ज्यादा इजी यही है ना, ये वाला माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ये 33, यस 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 सेम आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी इजी दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थर्ड नंबर, अंदर वाला कुछ सेम आना चाहिए, ये बी स्क्वायर माइनस फोर देखो ये और ये कट जीरो हो जाएगा, तो केवल बचेगा रूट थ्री बाई टू, आ गया, ये भी इजी है, इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो आ गया था, इसीलिए ये सेम रूट है, और कभी ऐसा हो तो डायरेक्ट आंसर निकाल देना बी बाई टू ए कर, माइनस बी बाई टू ए करके। और चौथे वाले में माइनस आना चाहिए, देखो ये माइनस आया, ये माइनस आया, आ गया नो सॉल्यूशन, आ गया। क्वेश्चन नंबर थ्री करिए, फाइंड द रूट्स, ये तो इजी दिख रहा है मेरे को, इजी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर थ्री, सबसे पहले x को एलसीएम ले लिया, x स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, ये आ गया फॉर्मूला, सिंपल इसमें रखा, ये सीधा आ रहा है, कर चुके हैं अपन, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर वन एग्जाम्पल में किया ना, सेम क्वेश्चन, ये करना जरूर है, ये माइनस, यहां भी माइनस है, माइनस माइनस, ये गड़बड़ होती है, इसलिए बच्चों सभी क्वेश्चन को आपको करना है, हो सके तो पहले अपने आप करना है। ये क्या करोगे, इसमें एलसीएम ले लिया, एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस फोर, इसको जरा खोलेंगे तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, ऊपर आएगा माइनस का इलेवन, बड़ा जोरदार है, नीचे आ रहा है ये, इसको ऊपर यहाँ से इलेवन से इलेवन भी कट रहा है, अब आ गया माइनस का वन अपॉन दिस, अब ये सब बड़ा ध्यान रखना, अब ये माइनस का थर्टी इज इक्वल टू दिस, फिर मैं इसको
शिफ्टिंग करूंगा तो आई विल गेट दिस इक्वेशन। सभी देख लो, अच्छी है ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल करना चाहिए, अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन लेकिन करना चाहिए, प्रैक्टिस होती है, यू विल गेट, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, आंसर इज एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। अब लैंग्वेज क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब आएगा मजा। ये जो 4, देयर आर द क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अगर आप इसको अपने आप से कर लेते हैं तो मैं आपको मानूंगा यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एक बार मेरा चैलेंज करो, स्वीकार करो और वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन करो, देखें क्या होता है, बहुत मजा आएगा। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एच इन ईयर्स 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। रहमान की एज क्या है, मान लो एक्स, सब उसका रेसिप्रोकल 3 है तो एक्स माइनस 3 और प्लस 5 साल बाद 1x+5 इज इक्वल टू 1/3। ये आ गया फार्मूला, क्या बोलते हैं, इक्वेशन। बस अब करना है सॉल्व और निकालना है आंसर। बस सबसे पहले इक्वेशन फॉर्मेशन का खेल है, ये एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5 ये आ गया, करो सॉल्व, करिए, एलसीएम ले लिया, दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन। सभी बच्चे एक बार शांति से इन स्टेप को देख लें, कुछ भी नहीं है, केवल सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है। इसके बाद लगा दीजिए फॉर्मूला, उसके बाद ये आएगा 100, ये आ गया 10 का स्क्वायर रूट, एक बार हो जाएगा 4 + 10/2 यानी कि 6, एक आ जाएगा ये तो एक तो सॉरी 7 और माइनस 3 तो एज कांट बी नेगेटिव, हम मानेंगे उसकी रहमान की एज कितनी है, 7 years। पहला लैंग्वेज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4, सभी के सही निकला, कर रहे हो ना मेरे साथ कंपटीशन। अगला क्वेश्चन करें, आपने कर लिया, इन क्लास टेस्ट सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, ठीक है, हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 marks इन इंग्लिश, लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। आया कुछ मजा, क्वेश्चन ये है कि शेफाली के इंग्लिश और मैथ्स मिला के 30 है, तो मान लीजिए मैथ्स में तो है उसके एक्स, तो इंग्लिश में हो गया 30 - x, पहला काम। अगर उसको मैथ्स में मिलते x - 2 और इंग्लिश में मिलते उससे भी 3 कम, यानी कि 27 - x, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 210 आए, ये मेरी इक्वेशन है। किया आपने, किया क्या, लेट द मैथ्स का उसका मार्क्स ये है, इंग्लिश में उसको इतना आया, x + 2, अगर मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा आते और इंग्लिश में उसको 3 कम आते तो उसका टोटल मल्टीप्लीकेशन 210 है, ये मेरे पास आ गई
इक्वेशन, अब उसको मुझे बनाना है, सॉल्व सिंप्लीफाई करना है. आई एम गेटिंग दिस इज माय इक्वेशन. देखो 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 देखो, बस इतना सा है, सारा खेल यहां पर है. करो मल्टीप्लाई सभी बच्चे, यहां तक पहुंचो. इसको चाहे तो उस फॉर्मूले से करो, कौन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और मैंने स्प्लिटिंग मेथड से कर दिया तो ये आ गया. तो इफ क्वेश्चन, उसका मैथ्स में मार्क्स अगर 12 है, इंग्लिश में उसको आएंगे 18. इफ शी हैज गॉट मार्क्स 13 इन मैथमेटिक्स, शी विल गेट 17 मार्क्स इन इंग्लिश. दोनों आंसर है, टू आंसर्स. अच्छा क्वेश्चन है. गुड क्वेश्चन. सभी को आया. क्वेश्चन नंबर 6. द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. शॉर्टर साइड तो है एक्स, डायगोनल हो गया है 60 प्लस एक्स, और बड़ी वाली लेंथ हो गई है 30 प्लस एक्स. लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, बहुत सिंपल है. ये मेरा फील्ड, ये छोटी वाली शॉर्टर, ये लंबी वाली, ये डायगोनल, एंड दिस इज माय पाइथागोरस थ्योरम. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. नाउ कैलकुलेशन करिए, स्टार्ट डूइंग सॉल्विंग द सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन. इसको मैंने खोला एक्स स्क्वायर, इसको भी खोल दिया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स यहाँ कट रहा है, काटो तो, नहीं तो ये अपने को इसको शिफ्टिंग किया, एंड आई एम गेटिंग दिस इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करना है. फॉर्मूले से करो तो आपकी इच्छा, स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हो. 19 टू 30 से हो रहा है, सो आई हैव डन बाय स्प्लिटिंग मेथड, और ये आ गया मेरा 90 और 30. एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो माय आंसर इज 90. माई आंसर इज 90. तो ये तो हो गया 90, ये हो गया 120, और ये कितना हो गया 150. इजी क्वेश्चन, समझ में आया सभी को, सब लोगों ने कर लिया. क्वेश्चन नंबर 7. The difference of the square of the two numbers is this. Okay. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two number. इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है. इसमें एक काम करना पड़ेगा, एक नंबर को x मानना पड़ेगा, एक को y मानना पड़ेगा. क्या लिखा है, सम ऑफ द स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा 180, ठीक है. फिर दे रखा है स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर, एट स्मॉलर द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. तो मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, चाहे तो ऐसे लिख लो, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, कैसे भी लिखो, और फिर उसकी वैल्यू पुट करनी. आ जाओ, मान लीजिए बड़ा वाला नंबर x, छोटा वाला y, तो बड़े वाला का स्क्वायर 8 टाइम्स है छोटे का, ये इक्वेशन नंबर 1. दूसरी इक्वेशन नंबर 2, ये y स्क्वायर उठाओ और यहां रख दो, हो गया काम. अब तो मामला जम गया, बस ये इतनी सी बात थी. अच्छा क्वेश्चन है ना.
कर लो, स्प्लिटिंग मेथड हो रहा है तो स्प्लिटिंग मेथड से करो. 18 माइनस 10, x इज इक्वल टू 18 माना तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x करो उसको, तो 18 टू 18 144 और y इज इक्वल टू 144 का अंडर रूट है ना, y इज इक्वल टू अंडर रूट 144 तो y इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू आ रहा 18 और y इज इक्वल टू आ रहा 12. सभी बच्चे देख लो, शांति से समझ लो, शांति से समझ लो. हाँ, अब कौन सा बचा है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11. अब जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है, लास्ट एंड द फोर्थ एंड द लास्ट सेशन फॉर दिस चैप्टर. इन दिस क्लास आई विल डू ऑल दिस क्वेश्चंस एंड आई विल आल्सो टीच यू द रिमेनिंग पार्ट. बट बिफोर एंटरिंग इन टू दैट क्लास यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स विच आई हैव टॉट यू एंड यू हैव टू अप्लाई दिस फोर क्वेश्चंस योर सेल्फ. यू हैव टू ट्राई. ओके, सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इज गोइंग ऑन. सबको बहुत अच्छा लग रहा है. एंड इन द लास्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर ऑल्सो. ओके, बी प्रिपेयर्ड, डू द प्रैक्टिस मोर एंड मोर.